अच्छा तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण, इसकी प्रश्नावली 6.5 करेंगे। प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया गया है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जो कि पी पर समकोण है, यानी इसका कोण पी 90 अंश का होगा। अब यहाँ पर पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम दर्शा लेते हैं चित्र में, और पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पी आर को हम 24 सेंटीमीटर यहाँ पर इसको दर्शा लेते हैं। बच्चों, पी क्यू इस त्रिभुज का आधार है और पी आर इस त्रिभुज का लंब है। इस त्रिभुज का कर्ण आर क्यू होगा। यहाँ पर दिया गया है पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर है। अब बच्चों, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं, तो लिख लेते हैं पाइथागोरस गुण से कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। बच्चों, कर्ण यहाँ पर आर क्यू है जिसको कि हमने ज्ञात करना है, आधार यहाँ पर पी क्यू है और यह 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आर क्यू वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब 10 का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब यहाँ पर पी आर है, यह 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का वर्ग, तो आर क्यू वर्ग बराबर 10 का वर्ग धन 24 का वर्ग। बच्चों, 10 का वर्ग यह 100 होता है, 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10 100 होगा, 24 का वर्ग मतलब 24 गुणा 24 यह 576 होता है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 100 धन 576 बराबर 676 होगा, तो आर क्यू वर्ग बराबर 676। हम कह सकते हैं कि आर क्यू बराबर 676, इसका वर्गमूल निकालेंगे और 676 का वर्गमूल 26 होता है, तो आर क्यू बराबर 26 सेंटीमीटर होगा। आर क्यू का मतलब क्यू आर, तो क्यू आर प्रश्न में पूछा गया है, क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 2, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर तब बी सी ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हम एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं और इस त्रिभुज ए बी सी में सी कोण समकोण है यह दिया गया है, तो हमने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया है, इसमें सी कोण हमने समकोण रख लिया है, तो सी 90 अंश का होगा और ए बी इस त्रिभुज की कर्ण होगा, बी सी इस त्रिभुज का आधार है और ए सी इस त्रिभुज का लंब है। अब बच्चों, पाइथागोरस गुण से हम यह लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यहां पर कर्ण ए बी है तो ए बी का वर्ग बराबर आधार बी सी है, तो बी सी का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब ए सी है तो ए सी का वर्ग, ए बी वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन ए सी वर्ग। यहाँ पर बच्चों ए बी दिया गया है, ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों ए बी और ए सी के मान रख लेते हैं, तो 25 का वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन 7 का वर्ग होगा। अब बच्चों, हम जानते हैं कि 25 का वर्ग यह 625 होता है बराबर बी सी वर्ग धन 7 का वर्ग यह 49 होता है। अब बच्चों, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी सी वर्ग धन 49 बराबर 625। अब दोनों पक्षों में से 49 घटा लेते हैं, तो बी सी वर्ग धन 49 ऋण 49 बराबर 625 ऋण 49 हो जाता है। 49 से 49 कटने के बाद बी सी वर्ग बराबर 625 ऋण 49, तो बी सी वर्ग बराबर 625 ऋण 49, 625 में से 49 घटाने से यह 576 आ जाता है, तो बी सी वर्ग बराबर 576। तो बी सी निकालने के लिए हमें
576 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो बीसी बराबर वर्गमूल 576, और हम जानते हैं कि 576 का वर्गमूल 24 होता है, तो बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों यहाँ पर बीसी हमने 24 सेंटीमीटर निकाल लिया है, इसको हम इस समकोण त्रिभुज में दर्शा लेते हैं। तो ए बी 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 3, इसमें दिया गया है दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं कि जमीन से भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। बच्चों यहाँ पर एक खिड़की है और इस खिड़की तक एक सीढ़ी को पहुंचाया गया है। ये हम सीढ़ी देख रहे हैं कि 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी है और इसको भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर जो खिड़की है इस तक पहुंचाया गया है। अब हमें दीवार से सीढ़ी के पैर के दूरी ज्ञात करनी है, तो सीढ़ी का पैर बच्चों यहाँ पर होगा और दीवार, यह दीवार है और इससे दीवार की दूरी हमने यहाँ पर ए मान ली है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन जाता है क्योंकि दीवार हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, तो जमीन और दीवार के बीच में समकोण होगा, 90 अंश का कोण होगा। और यह जो सीढ़ी होगी यह इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण की तरह होगी। आधार यहाँ पर हमने ए मान लिया है, यह हमें ज्ञात करना है, और जो लंब है यह 12 मीटर का है। तो बच्चों यहाँ पर आधार ए मीटर है और कर्ण यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई होगी, यह 15 मीटर है और लंब इस स्थिति के लिए यह 12 मीटर होगा। पाइथागोरस गुण से लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बच्चों कर्ण 15 है तो 15 का वर्ग बराबर लंब 12 है तो 12 का वर्ग धन आधार, यह हमने ए माना हुआ है, तो ए का वर्ग। 15 का वर्ग 225 होता है बराबर 12 का वर्ग 144 होता है धन ए का वर्ग। अब बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसको हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख सकते हैं, तो ए वर्ग धन 144 बराबर 225 हो जाता है। दोनों पक्षों में से हम 144 घटा लेते हैं, तो ए वर्ग धन 144 ऋण 144 बराबर 225 ऋण 144। 144 से 144 कटने के बाद ए वर्ग बराबर 225 ऋण 144, यह 81 होता है। तो ए वर्ग बराबर 81, ए निकालने के लिए हमें 81 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल 9 होता है क्योंकि 9 का वर्ग बराबर 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल 9 होगा, तो a बराबर 9 मीटर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर है। प्रश्न 4 करते हैं, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह का एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। बच्चों भाग एक करते हैं पहले। बच्चों हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, तो एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बाकी दो भुजाएं इससे छोटी होती है। जैसे कि यहाँ पर हम लंब देख रहे हैं, लंब भी कर्ण से छोटा होता है और आधार भी कर्ण से हमेशा छोटा होता है। तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण होती है एक समकोण त्रिभुज में। तो भाग एक में हम यह मान लेते हैं कि यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो कर्ण सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण मान लेते हैं। तो कर्ण यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर होगा, बाकी दोनों भुजाएं 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होंगी। और यहाँ पर हम, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस गुण यहाँ पर लागू होगा, और पाइथागोरस गुण को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पाइथागोरस गुण के अनुसार
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बच्चों भाग एक के लिए हम कर्ण सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और लंब हम इनमें से बाकी बची में से कोई भी एक भुजा को मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 6.5 का वर्ग बराबर लंब 2.5 का वर्ग धन आधार 6 का वर्ग। बच्चों 6.5 का वर्ग यह 42.25 सेंटीमीटर होता है। 6.5 का वर्ग का मतलब 6.5 को हमने 6.5 से गुणा करना होगा और 42, यह 42.25 होगा। 2.5 का वर्ग यह 2.5 × 2.5 होगा और यह 6.25 होगा। 6 का वर्ग यह 6 × 6 होगा और यह 36 होगा। तो 6.5 का वर्ग बराबर 42.25 होगा, बराबर 2.5 का वर्ग 6.25 लिखेंगे, धन 6 का वर्ग इसको 36 लिखेंगे। बच्चों 42.25 बराबर 6.25 को 36 से जोड़ेंगे तो यह 42.25 आ जाता है। 36 का मतलब 36.00, इसको 6.25 से जोड़ेंगे तो 5 और 0 5, 2 और 0 2, दशमलव की जगह दशमलव, 6 और 6 12 होता है, 1 आगे के लिए जोड़ेंगे, 3 और 1 4 होता है। तो 36 धन 6.25 बराबर 42.25। बच्चों यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया है, क्योंकि 42.25 बराबर 42.25, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका मतलब पाइथागोरस गुण, जो कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग है, यहाँ पर यह पाइथागोरस गुण लागू हो रहा है। इसका मतलब यह जो भुजाएं दी गई हैं यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसलिए ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। अब बच्चों प्रश्न में आगे पूछा गया है समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। बच्चों इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ABC, और यहाँ पर B 90 अंश का हमने दर्शा लिया है। अब सबसे बड़ी भुजा यह AC 6.5 सेंटीमीटर होगी, लंब 2.5 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दर्शा लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, समकोण सबसे बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर के सामने होगा और यह कोण B होगा। समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए, तो चित्रानुसार यह कोण B होगा। तो लिख लेते हैं समकोण सबसे बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर के सामने होगा, अर्थात कोण B पर है। बच्चों भाग दो में भुजाएं दी गई हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो भाग दो को भी हम भाग एक की तरह कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण मान लेते हैं, कि कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर है, बाकी दो भुजा लंब और आधार है। तो लंब 2 सेंटीमीटर होगा और आधार 2 सेंटीमीटर होगा। अब पाइथागोरस गुण, जो कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग है, तो इसके अनुसार 5 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग होना चाहिए। 5 का वर्ग बच्चों 25 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, धन 2 का वर्ग 4 होगा। 25 बराबर 4 धन 4, तो 25 बराबर 4 धन 4 8 होता है, 25 बराबर 8। लेकिन बच्चों 25 बराबर 8 तो नहीं होता, 25 बराबर नहीं 8, इसका मतलब यह हुआ कि बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, तो यहाँ पर पाइथागोरस गुण लागू नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ अगर पाइथागोरस गुण लागू नहीं होता तो दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी, अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। भाग 3 करते हैं बच्चों, इसमें भुजाएं दी गई हैं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, इसको हम कर्ण मान लेते हैं और बाकी दो भुजाओं को लंब और आधार मान लेते हैं। तो कर्ण 2.5 सेंटीमीटर, लंब 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को हम आधार मान लेते हैं। तो भाग 3 के लिए कर्ण 2.5 सेंटीमीटर, लंब 1.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और आधार
2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब बच्चों पाइथागोरस गुण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब 2.5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 1.5 का वर्ग धन आधार का वर्ग 2 का वर्ग। अब बच्चों 2.5 का वर्ग यह 2.5 गुणा 2.5 होगा और यह 6.25 होगा, तो 6.25 बराबर 1.5 का वर्ग यह 2.25 होगा धन 2 का वर्ग यह 4 होगा, तो 6.25 बराबर 4 को हम 2.25 से जोड़ते हैं तो यह 6.25 आ जाता है। बच्चों यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्योंकि 6.25 बराबर 6.25 तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस गुण लागू हो रहा है। बच्चों हमें अब यह भी बताना है कि समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। तो यहाँ पर इन भुजाओं को एक समकोण त्रिभुज में हम दर्शा लेते हैं, जैसा कि हमने एक समकोण त्रिभुज PQR बना लिया है, Q यहाँ पर हमने 90 अंश का रखा है। तो बच्चों यहाँ पर कर्ण 2.5 सेंटीमीटर यह PR होगा और लंब PQ 1.5 सेंटीमीटर होगा, आधार QR यह 2 सेंटीमीटर होगा। तो समकोण सबसे बड़ी भुजा 2.5 सेंटीमीटर के सामने होगा, यह कोण Q होगा। प्रश्न 5, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके लिए पहले हम एक पेड़ यहाँ पर ले लेते हैं जो कि शुरू में तो जमीन पर खड़ा हुआ है, लेकिन किसी कारण से यह बीच में से कहीं से टूट जाता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि ए बी ऊंचाई का एक पेड़ है और यह बीच में से हम मान लेते हैं कि सी से यह टूट जाता है, तो यह जो बी सी ऊपर का हिस्सा है यह जमीन पर आके गिरेगा और जमीन पर आके इस तरह से गिरेगा कि सी पर यह पेड़ वहीं पर है और इसका बी जो सिरा है यह जमीन को छूता है, और जमीन को छूता है और यह दिया गया है उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। उसका आधार मतलब ए से 12 मीटर की दूरी पर यह छूता है। अब पेड़ का टूटने के बाद, पेड़ शुरू में ए बी ऊंचाई का है, सी से यह टूट जाता है, टूटने के बाद ए से 12 मीटर की दूरी पर यह बी होगा क्योंकि बी इस पेड़ का शुरू में सबसे ऊपरी सिरा है। अब ऊपरी सिरा जमीन पर आ जाएगा, यह ए से 12 मीटर की दूरी पर होगा और यह कहा गया है पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, तो ए से सी यह 5 मीटर होगा, ए सी 5 मीटर होगा। अब बच्चों पेड़ की जो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई मतलब ए बी हमें ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी, और बच्चों ए बी को हम ए सी धन बी सी लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ बी से सी को हम मिला लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए 90 अंश का होगा, तो इस तरह से सी ए बी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो त्रिभुज सी ए बी समकोण त्रिभुज है। अब त्रिभुज सी ए बी में हम पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस गुण से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण यहाँ पर बी सी है तो बी सी वर्ग बराबर लंब ए सी है तो लंब का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार ए बी है तो ए बी का वर्ग, तो बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग धन ए बी वर्ग, तो बी सी वर्ग बराबर ए सी 5 है तो 5 का वर्ग धन ए बी 12 है तो 12 का वर्ग, तो बी सी वर्ग बराबर 5 का वर्ग यह 25 होता है, 12 का वर्ग यह 144 होता है और 25 धन 144 यह 169 होता है, तो बी सी वर्ग बराबर 169, तो हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर 169 का वर्गमूल होगा और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो बी सी बराबर 13 मीटर होगा। अब बच्चों पेड़ की ऊंचाई
ए बी है, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर ए सी धन बी सी, ए सी 5 मीटर है और बी सी 13 मीटर है, 5 मीटर धन 13 मीटर यह 18 मीटर होगा, तो पेड़ की ऊंचाई 18 मीटर होगी, अतः पेड़ की ऊंचाई 18 मीटर है। प्रश्न 6, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 25 अंश तथा कोण आर बराबर 65 अंश है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भाग एक, पी क्यू वर्ग बराबर क्यू आर वर्ग बराबर आर पी वर्ग। भाग दो, पी क्यू वर्ग धन आर पी वर्ग बराबर क्यू आर वर्ग। भाग तीन, आर पी वर्ग धन क्यू आर वर्ग बराबर पी क्यू वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर कोण क्यू और कोण आर इस चित्र के लिए दिया गया है, इस त्रिभुज के लिए यह 25 अंश और 65 अंश है, हमें इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। बच्चों यहाँ पर हम कोण क्यू यह 25 अंश का देख रहे हैं और कोण आर 65 अंश का देख रहे हैं। हम कोण पी को ज्ञात कर लेते हैं, त्रिभुज के कोण योग नियम से हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश होगा, और ऐसा इसका कारण हम कोष्टक में लिख लेते हैं त्रिभुज के कोण योग नियम से। बच्चों कोण P धन कोण Q का मान 25 अंश रख लेते हैं, कोण R का मान 65 अंश रख लेते हैं, तो कोण पी धन 25 अंश धन 65 अंश बराबर 180 अंश होगा। अब कोण पी धन 65 अंश और 25 अंश इसको जोड़ें तो यह 90 अंश होता है, तो कोण पी धन 90 अंश बराबर 180 अंश, दोनों पक्षों में से 90 अंश घटा लेते हैं, तो कोण पी धन 90 अंश ऋण 90 अंश बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश होगा। अब 90 अंश से 90 अंश कटने के बाद कोण P बराबर 180 ऋण 90 अंश यह 90 अंश होता है, तो कोण P बराबर 90 अंश होगा। तो बच्चों हमने कोण P 90 अंश ज्ञात कर लिया है, इसका मतलब यह होगा कि त्रिभुज QPR समकोण त्रिभुज होगा और इसका कोण P समकोण होगा। बच्चों हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा समकोण त्रिभुज की कर्ण होती है, तो यहाँ पर कोण पी समकोण है 90 अंश का है, इस कोण पी के सम्मुख भुजा क्यू आर है, तो क्यू आर यहाँ पर कर्ण होगी, तो भुजा क्यू आर कर्ण होगी, बाकी दो भुजाएं पी क्यू और पी आर होंगी, यह लंब और आधार होंगी। बच्चों हम पाइथागोरस गुण से कह सकते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब बच्चों इसमें कर्ण क्यू आर होगा और लंब और आधार पी क्यू और पी आर होंगे, तो हम इस तरह से अब इसको लिख सकते हैं कि पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग बराबर कर्ण क्यू आर का वर्ग, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी क्यू वर्ग धन पी आर को आर पी भी कह सकते हैं हम, आर पी वर्ग बराबर क्यू आर वर्ग। अब बच्चों पी क्यू वर्ग धन आर पी वर्ग बराबर क्यू आर वर्ग यह दिए गए तीनों भागों में से भाग दो से मेल खाता है, तो यहाँ पर तीनों कथनों में से भाग दो का कथन सत्य है, पी क्यू वर्ग धन आर पी वर्ग बराबर क्यू आर वर्ग, अतः विकल्प दो सही है। प्रश्न 7, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं और इस आयत में इसकी लंबाई और विकर्ण हम दर्शा लेते हैं, जैसा कि हमने एक आयत ए बी सी डी यहाँ पर बना लिया है और इस आयत ए बी सी डी में विकर्ण बी डी हमने खींच लिया है, तो यहाँ पर आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ए बी या सी डी होंगी, हमने ए बी को 40 सेंटीमीटर दर्शा लिया है, उसका विकर्ण यहाँ पर विकर्ण बी डी है, विकर्ण 41 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने इस आकृति में दर्शा लिया है। अब हमें इस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। बच्चों परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें आयत की लंबाई और हमें चौड़ाई
ज्ञात होनी चाहिए। लंबाई 40 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई एडी यहाँ पर नहीं दिया गया, हमें एडी यहाँ पर ज्ञात करना है। बच्चों आयत के चारों कोने के जो कोण होते हैं यह 90 अंश के होते हैं, समकोण होते हैं। तो यहाँ पर हम इस आयत में देख रहे हैं कि कोण ए 90 अंश का होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि इस आयत में जो विकर्ण है बी डी इस आयत को दो भागों में बांट रहा है, और कह सकते हैं कि यह विकर्ण इस आयत को दो समकोण त्रिभुजों में बांट रहा है। एक त्रिभुज डी ए बी है और दूसरा त्रिभुज डी बी सी है। ये दोनों त्रिभुज एक जैसे होंगे। अब हम त्रिभुज डी ए बी जो कि समकोण है इसमें पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं। तो त्रिभुज डी ए बी में पाइथागोरस गुण से कर्ण यहाँ पर बी डी होगा, ए डी लंब होगा और ए बी आधार होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो बी डी वर्ग बराबर ए डी वर्ग धन ए बी वर्ग होगा। अब बच्चों बी डी यहाँ पर दिया गया है 41 सेंटीमीटर, तो 41 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर ए डी यहाँ पर दिया गया है। ए डी हमें बच्चों ज्ञात करना है, ए बी वर्ग यह 40 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, तो ए डी वर्ग धन 40 वर्ग बराबर 41 वर्ग, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ए डी वर्ग धन 40 का वर्ग, 40 का वर्ग 40 गुणा 40 यह 1600 होगा, बराबर 41 का वर्ग यह 41 गुणा 41 और यह 1681 होगा। अब बच्चों दोनों पक्षों में से हम 1600 घटा लेते हैं, तो ए डी वर्ग धन 1600 ऋण 1600 बराबर 1681 ऋण 1600। अब 1600 में से 1600 घटाने से यह शून्य होता है, तो ए डी स्क्वायर धन शून्य यह ए डी स्क्वायर होगा। ए डी स्क्वायर बराबर 1681 ऋण 1600 यह 81 होता है। तो ए डी वर्ग बराबर 81, तो ए डी 81 का वर्गमूल होगा, और हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ए डी बराबर 9 और यह 9 सेंटीमीटर होगा। बच्चों ए डी इस आयत के लिए चौड़ाई होगी, तो अब बच्चों इस आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमने ज्ञात कर लिया है यह 9 सेंटीमीटर है। बच्चों हम जानते हैं कि आयत का परिमाप दो कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई होता है। लंबाई को 40 सेंटीमीटर रखेंगे, चौड़ाई को 9 सेंटीमीटर रखेंगे, तो दो कोष्टक 40 धन 9 49 होता है, दो कोष्टक 49, इसको हम 2 गुणा 49 लिख सकते हैं। और बच्चों 2 गुणा 49 बराबर 98, तो आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर होगा। अतः आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर है। प्रश्न 8। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। बच्चों हमने एक सम चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया है, क्योंकि इसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो हम इस सम चतुर्भुज के विकर्ण खींच लेते हैं। इसके लिए हमें ए को सी से मिलाना होगा और बी को डी से मिलाना होगा। तो इस तरह से ए सी और बी डी इस सम चतुर्भुज के विकर्ण होंगे। तो विकर्ण ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर होगा और विकर्ण बी डी बराबर 30 सेंटीमीटर होगा। बच्चों हम मान लेते हैं कि विकर्ण यह दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं ओ बिंदु पर, और बच्चों हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि कोण डी ओ सी यह 90 अंश का होगा। समद्विभाजित का मतलब ओ सी बराबर ओ ए होगा और ओ डी बराबर ओ बी होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर ओ सी निकाल लेते हैं, ओ सी बराबर ए सी बटा 2 होगा और ओ डी बराबर बी डी बटा 2 होगा। तो बच्चों ओ सी बराबर ए सी बटा 2 16/2 होगा। 16 को हम 8/2 लिख सकते हैं, बटा 2, 2 से 2 कट जाता है, तो OC बराबर 8 आ जाता है, तो OC बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से हम OD निकाल लेते हैं, OD बराबर BD बटा 2,
VD 30 सेंटीमीटर है, 30 बटा 2, 30 को हम 15 गुणा 2 लिखेंगे, बटा 2, 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से OD बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाता है। अब समकोण त्रिभुज DOC में हम पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज DOC में पाइथागोरस गुण से, बच्चों हम पाइथागोरस गुण जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो समकोण त्रिभुज DOC में कर्ण O के सामने की भुजा DC होगी और लंब और आधार OC और OD भुजाएं होंगी। तो हम समकोण त्रिभुज DOC में कह सकते हैं कि DC का वर्ग बराबर OD वर्ग धन OC वर्ग, तो DC वर्ग बराबर OD 15 सेंटीमीटर है, 15 का वर्ग धन OC 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का वर्ग। अब 15 का वर्ग 225 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, 225 धन 64 यह 289 होता है। तो बच्चों इस तरह से DC वर्ग बराबर 289, तो हम कह सकते हैं कि DC 289 का वर्गमूल होगा। और बच्चों 289 17 गुणा 17 होता है, तो हम कह सकते हैं कि DC 17 होगा, तो DC 17 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप हमें ज्ञात करना है, और परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाओं का योग मतलब हम चार को अगर एक भुजा से गुणा कर दें, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो परिमाप निकल आता है। तो समचतुर्भुज का परिमाप चार गुणा भुजा यह होगा, तो लिख लेते हैं समचतुर्भुज का परिमाप बराबर चार गुणा भुजा, और भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणा 17 बराबर 68 होता है, तो समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर होगा। सो अतः समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के